नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधियों की जब भी बात होती है तो कुछ नाम हैं जो सबसे पहले हमारे जहन में आते हैं। उन्हीं नामों में से एक नाम है ममता बनर्जी का। जी हां, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीएम मोदी को कोसने का एक भी मौका नहीं गंवाती। कई बार तो भाषाई मर्यादा को लांघते हुए भी देखा गया है। कुल मिलाकर मंच चाहे जो भी हो, लेकिन ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की आलोचना में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। आपको याद होगा, ममता बनर्जी ने बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने की कोशिश भी कर चुकी हैं। इसके लिए उन्होंने कई राज्यों में राजनीतिक मंच पर हिस्सा भी लिया, लेकिन फिर भी पीएम मोदी की ताकत के सामने टिक नहीं पाई। फिलहाल कुछ दिनों से ममता बनर्जी शांत थी, लेकिन अब फिर से उन्होंने एक बयान दिया है। लेकिन इस बार उनका बयान बीजेपी के लिए नहीं, बल्कि तथाकथित उन सेक्युलर पार्टियों के लिए है जो मोदी विरोध का एक भी मौका नहीं छोड़ते। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। सभी अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए जमीन तैयार कर रही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव विपक्षियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पीएम मोदी की छवि से चुनावी मैदान में टकराना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे में सभी बीजेपी को घेरने के लिए अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है और कांग्रेस और सीपीआईएम पर जमकर बरसी हैं। उन्होंने सीपीआईएम और कांग्रेस पर बीजेपी के साथ गठजोड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर अपवित्र गठबंधन होगा तो कांग्रेस बीजेपी से कैसे लड़ेगी। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, वामपंथी भाजपा से कैसे लड़ेंगे और सीपीआईएम और कांग्रेस कैसे बीजेपी विरोधी होने का दावा करते हैं। दरअसल ममता बनर्जी का गुस्सा तब सामने आया जब बंगाल के सरदीघी उपचुनाव में कांग्रेस ने सत्तारूढ़ तृणमूल से विधानसभा सीट छीन ली। इसका जिक्र करते हुए ममता ने आगे कहा कि कांग्रेस, वामपंथी और बीजेपी सभी ने सरदीघी में सांप्रदायिक कार्ड खेला है। अंतर यह है कि बीजेपी ने इसे खुले तौर पर खेला है, लेकिन सीपीआईएम और कांग्रेस ने इसे अधिक हद तक खेला है। वहीं ममता बनर्जी ने 2024 लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए आगे कहा, यह एक सबक है और हमें सीपीएम या कांग्रेस की बात नहीं माननी चाहिए। जो बीजेपी के साथ काम करते हैं, हम उनके साथ गठबंधन नहीं कर सकते हैं। 2024 में हम तृणमूल और आम लोगों के बीच एक गठबंधन देखेंगे। हम किसी भी अन्य राजनीतिक दलों के साथ नहीं जाएंगे। हम लोगों के समर्थन से अकेले लड़ेंगे। जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, मुझे विश्वास है कि वे हमें वोट देंगे। तृणमूल कांग्रेस इन तीन ताकतों में से एक साथ लड़ने के लिए पर्याप्त है। हमने 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में ऐसा किया है, हम इसे फिर से करेंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपको बता दें कि बंगाल में बीजेपी को करारी मात देने के बाद ममता बनर्जी को विपक्षी खेमे से प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर भी देखा गया। वहीं बंगाल को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस ने गोवा और त्रिपुरा जैसे राज्यों में खाता खोलने में भी विफल रही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी अब 2024 के लिए अभी से ही जमीन तैयार करने में जुट गई हैं और अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वैसे ममता का ये फैसला उन्हें कितना फायदा पहुंचाएगा, या फिर ममता का ये फैसला कितना सही है, क्या वे पीएम मोदी की छवि के सामने टिक पाएंगी, कमेंट करके जरूर बताएं।